है, इंसान को कतल नहीं कर कहाँ है हकीकत कहाँ है। लेकिन इस्माइलियों के पास ये हकीकत है और इस्माइलियों के अंदर 313 मोमिन है, तभी दुनिया चल रही है। मौलाना पीर ने फरमाया, मारक चौको मलिकरी चालो, इसमें अंधेरा नहीं, अजवाड़ा मजे अंधारू कर से। अगर आप अपने मजहब से, आप इस इलम से वाकिफ नहीं होंगे, मौलाना फरमाया आप और आपके बच्चों को इस इलम से वाकिफ गार करो, वरना उनके दिमाग में ये जिस्मानी दीन आ जाएंगे और इबादत बंदगी नहीं करेंगे, बक बक करेंगे और बोलेंगे हाँ, आप पूछेंगे इबादत की, बोलेंगे हाँ इबादत की। क्यों? आपको ये रूहानी इलम आपने बच्चों को नहीं, रूहानी अने जिस्मानी दिन में केटलो बधो फरक छे ते नानपण में बच्चाओं ने तमे नहीं समझाओ तो तेओना ध्यान में जिस्मानी दिन बेसी जाए, सब शरीयत उसके दिमाग में आ जाएगी, हकीकत को वो नहीं समझे। और मौला ने फरमाया शरीयत ये हमारा हकीकती फरमान सांभळे तो तेओने घर नहीं बेसी। जब वो हकीकती नहीं तो वो बेअकल। अगर आपका दिल इलम के ऊपर नहीं जा रहा है, सिर्फ आप जमा खाने आते हैं और दसवन भी लेते हैं, लेकिन ये इलम नहीं है, तो वो भी चीज जो है आपके शैतान आपके पीछे लगा रहे, वो भी आपसे चली जाए। दसवन मौला को क्या परवाह है, मौला के घोड़े भूख मारते हैं। ऐसे भी लोग हैं दसवन देते देते ब्रेक हो जाती है, क्यों? इलम नहीं, ये पता नहीं है। दसों फल दया नो जानो, मन विचारी ने आलो। फिर रसम कभी फरमाते हैं कि तुम अपने रूप पर दया करते हो, मौला को तुम्हारे दसों की पैसे की परवाह, मौला को पैसे की परवाह नहीं, लेकिन तुम्हारे रूप के ऊपर तुमको दया है, अपने अपने आप के ऊपर, तो ये तुम फल लो दसों का। लेकिन इलम नहीं है तो आदमी गलत सोचता है, इसीलिए मौला ने फरमाया कि जो हिम्मत करी ने जमात खाने जाए थे ते उनो दिल इलम ऊपर वधारे होय छे। ये निशान एक फरमान के पैराग्राफ में इतनी बड़ी समझ है कि हम सिर्फ पढ़ जाएं इतना काफी नहीं है। मौला ने फरमाया मेरे फरमान पर 2 घंटे ख्याल, इबादत के लिए 1 घंटा दिया, फरमान पर सोचने के लिए 2 घंटा दिया। क्यों? इमाम जानता है कि हमारा रूह का राज, रूह की आजादी का राज इससे होगा। अगर इलम नहीं है तो आप थक जाएंगे। बहुत से आदमी ऐसे हैं कि 2-2, 4-4, 5-5 साल जमा खाने आते हैं, फिर नहीं आते हैं। क्यों? सिर्फ जमात खाने आना, तो मौला ने फरमाया कि जमात खाने आना, दुआ पढ़ना, ये तो आसान बात है। जमात खाना में जऊ, रुकू में जऊ, ये तो आसान बात है, पर हकीकत की पैरवी ऊपर चालू मुश्किल है। जो जमात खाना नहीं आ सकता है तो हकीकत की पैरवी तो कुछ और है, उसको तो समझ समझ के चलना पड़ता है कि जो तुम बोलो सोई लिखा है, जो तुम सोच रहे हो ना, तुम्हारे ख्याल और सोच वो भी मौला देख रहा है, सुन रहा है, और वो बाकायदा लिखा जाता है। जो दम बोलो सोई लिखा है, साच झूठ का निवेरा था। यहाँ रूहानियत से ख्याल और विचार से आपको रूहानियत मिलेगी, वो फरमान से मिलेगी कि मोमन ना ख्याल विचार अने बातून सर्वे साफ हो। सिर्फ ऐसा नहीं कि जाहिरी में तुम अच्छे बनो, अंदर से भी बनो। अभी मौला के अभी शाह करीम हाजरी माम के फरमान सुने, मौला ने फरमाया कि हम आपको जांचते हैं कि आपके दिल में क्या हो रहा है, आपके दिल में नूर है कि नहीं। अगर आपके दिल में ये दुनिया की मोहब्बत नहीं है तो मौला का नाम ही होगा, लेकिन आप दुनिया को चाहते रहेंगे तो मौला का नाम नहीं आएगा। मौला ने फरमाया कि पहला तरीका ना मानसो हमने चाहे थे दुनिया ने मत ही चाहता, ये निशानी है, ये एक आईना है, ये रूहानी आईना हमारे रूह को देखने के लिए। हम कौन से ग्रुप में है, 4 तरीका ना मानसो से, पहला तरीका ना मानसो हमने चाहे थे दुनिया ने नहीं चाहे, यानी इसके दिल में भी दुनिया की मोहब्बत नहीं है। जिसके दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं है, मौलाना फरमाया मोमन नो दिल से ते खुदा उनताला नो कह, मैं आता हूँ उसके दिल में आता हूँ। जमात खाना तो हकीकी तुम्हारे दिल में है,
दिल में देवल पूजिए, दिल में देव द्वार, दिल में साया आपके वसे, दिल में आपके दीदार, आपके दिल में ही जमात खाना है, आपके दिल में ही दीदार है और आपके दिल में ही मौला आता है। मौला फरमाते हैं कि मोमन नाम दिल की खूबी है विचे, ऐसी खूबी कौन सी खूबी है? वो ये खूबी मौला ने बताया कि हमने चाहे थे दुनिया ने नहीं चाहता, उसके दिल में यही है याली 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 याली। ये हमारे अंदर से जो सांस चलती है और हमारे जो अंदर से रास्ते हैं, ये दो है मौलान करना। एक सड़क हमारी हाल बनने बाजू बे रास्ता, ऐसा नहीं है कि हम रास्ते में चलते हैं उसके दो रास्ते, हमारे अंदर से दो रास्ते निकलते हैं, हम कौन से रास्ते पे जा रहे हैं ये आप चेक करो। हाल तुम्हारी बनने बाजू बे रास्ता, एक सड़क बदलनी बीजी सड़क रूह, जो तुम बदलनी सड़क पकड़सो तो तमो रूह जमीन उतर, अने रूहनी सड़क पकड़सो तो साथ में आसमाने जय पहुंच, मरने के बाद नहीं हयाती आपकी हयाती। तमें तमारो सुको रस्तो शोधो, तमारो सुको रस्तो सातमा आसमान, सातमा आसमान के ऊपर है, सातमा आसमान है ये हमारा दिल, ये सुखी जमीन। तमें तमारो सुको रस्तो, अगर दुनिया की मोहब्बत है तो ये गीली जमीन, इसमें दुनिया ये करूं वो करूं, एक छोटा घर बड़ा घर चाहिए, बड़े घर वाले बंगला चाहिए, एक कार है ये हल्की कार है, अच्छी कार चाहिए, अच्छी वाला इससे अच्छी चाहिए। ये पानी हमारा दिल में भरा हुआ दुनिया की मोहब्बत का, तो सोते सोते भी पता नहीं कहाँ कहाँ आदमी जाता है, लोग कुटुंब परिवार बिजनेस दुनिया सारी भरी हुई मौला के साथ। हम बोलते मौला आओ, मौला मौला देखता है जगह तो है नहीं, कैसे आओ? दिल को साफ करो, मोमन के दिल की खूबी ऐसी है, मोमन ना दिल की खूबी है विचिक अम्मो ना दिल में रही है। पहला तरीका ना मानसो अमने चाहे थे दुनिया ने नहीं चाहता थे, दुनिया में पर हमारे साथ है, ऐसे होएंगे जब ही बोलते हैं मौला है, मौला की वाणी अविचल है, ये सच्ची है, ये लो है महफूज है, हकीकत है, ये बात अटल है, रूहानी बात में कभी भी चेंजेस नहीं होती है। मौलान दुनिया की बातों में हम ये चेंजेस करते हैं कि बिजनेस है, डिसिप्लिन है या तालीम है या दूसरी चीजों में हम चेंज करते हैं, लेकिन रूहानियत में कभी भी चेंजेस नहीं हो। पहला तरीका ना मानसो हमने चाहे थे दुनिया ने मुठी चाहता, तो दुनिया में पर हमारी साथी थे त्याँ पर हमारी साथी, दूसरे तरीके के बाद नहीं। બીજા તરીકાના માણસો અમને પણ ચાહે છે અને દુનિયાનું પણ ચાહે છે, કબૂલ નહીં કરતો। 50% મોહબ્બત મૌલા કી હૈ દિલ મેં, લેકિન 50% દુનિયા હૈ યે રૂહાનિયત કે લિયે ઝહેર, દુનિયા જો હૈ યે ઝહેર હૈ। મૌલા ને ફરમાયા દુનિયા જહન્નમ છે, હજાર બે હજાર કે કરોડ રૂપિયાની દોલત હોય, ઉંમર પણ 100 નહીં 200 વર્ષની હોય, બાદશાહ પણ હોય, સગું ઝેર સમાન છે, સગું ઝેર એ ઝેર ઝેર હમ પીતે અને હમ અપની દિલમાં જગા દેતે હૈ, તો મતલબ ઝેર પીતે, ઝેર મેં શક્કર ડાલ કે પીતે, મીઠી કરકે પીતે, જીસકો મૌલાને જન્મ કહા, જીસકો મૌલાને ઝેર કહા। તો મૌલાને ફરમાયા બીજા તરીકાના માણસો અમને પણ ચાહે છે ને દુનિયાને પણ ચાહે છે, તેઓના માટે અમે દુઆ કરી છે કે ખુદાયા તેઓની મોહબ્બત દુનિયા ઉપરથી ઓછી થાય, અમારા ઉપર કે દુનિયા પર કમ હો જાય, મેરે પર બઢ જાય, એટલે 50% મેં સે વહાં 40% હો જાય યા 60% હો જાય, તો એ ચકમક કી તરહ મૌલા ઇંચતા હૈ। અગર યહાં 45% વહાં 65% હૈ તો ઉધર ખીંચેગા, યહાં કા પલ્લા ભરતા જાય, યાને ઇલમ પર ઉસકા ધ્યાન હોયગા, તો ઇલમ એસી રોશની હૈ કે 30 સદર દિન કે લિયે મૌલા ને ફરમાયા કે 16 કલાક બેસીને ઇબાદત કરતા હતા, તમારા જેવો એક માણસ હતો મૌલા ને ફરમાયા, 30 સદર દિન તમારા જેવો માણસ હતો, તેને પણ આંખ અને કાન તમારા જેવા હતા, તેમાં કંઈ ફરક નહીં હતો, કે 30 સદર દિન તમે ખોજાઓનો દિન બંધુ હતો, જે તરહ હમ દિન ભાઈએ ને જે તરહ મૌલા ફરમાયા
उसने भी दुनिया रखी थी, दुनिया में पैदा हुए थे, उसके भी घर थे, बच्चे थे, दुनिया थी, कमाते थे, खाते थे, लेकिन उसमें खूबी क्या थी? दुबीवान दाना साचो ने बाथरूम में साफ, फिर सदर में ये खूबी थी। फिर सदर दिन 16 घंटा बंदगी करते थे, हमारे से 1 घंटा नहीं होती है, क्या वजह इसकी? हम बेइलम। मौलाना फरमाया कच्छनी नदी दरिया को मरी शक्ति, कच्छ की नदी क्यों कहा? जो कच्छ की नदी है वो बेइलम है, यानी कच्छ की जो जमीन है वो रेगिस्तान है, वहां दूर दूर है। इस तरह दिल में दुनिया है तो ये सारी दूर है, जितना भी पानी डालो उसमें जल्द कर, क्योंकि जमीन पे आप पानी का एक गिलास डालो तो उसका